पायरोमेटलर्जी, टाइप्स ऑफ मेटलर्जी में पहली जो मेटलर्जी है पायरोमेटलर्जी, दूसरी इलेक्ट्रोमेटलर्जी और तीसरी है हाइड्रोमेटलर्जी। देखो पायरो का मीन्स होता है फायर, पायरो मीन्स फायर, आग, ठीक है। और इलेक्ट्रो मीन्स यू नो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है उसी तरह की ये मेटलर्जी है, उसी तरह के प्रोसेस है। पायरो मीन्स फायर, तो यहाँ पर जो पायरो मेटलर्जी है, यहाँ पर जो हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो करते हैं हीटिंग करके, फायर के अंदर, फर्नेस के अंदर हीटिंग करके। हीटिंग में हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे पायरोमेटलर्जी में क्या होता है, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑन द हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। और यहाँ पर होता क्या है कि जो मेटल, जो भी आपके पास ओर है, ओर कौन सा होगा, कंसंट्रेटेड ओर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा धीरे धीरे बात करेंगे उसको, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मतलब कोई भी ओर है, अगर आपके पास कोई बॉक्साइड है, जैसे Al2O3 ये बॉक्साइड है मान लीजिए, ठीक है। वैसे बॉक्साइड का क्या नाम, उसका बॉक्साइड का एक्सट्रैक्शन इस मेथड से नहीं होता पायरोमेटलर्जी से। मैं एक बात करूँ, बॉक्साइड लेने बेकार है। जैसे मान लीजिए आयरन का है Fe2O3, ठीक है। तो ये जो आपके पास हेमेटाइट है, इसका अगर एक्सट्रैक्शन करना है हमें, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पायरोमेटलर्जी द्वारा इसे एक्सट्रैक्ट करना। पायरोमेटलर्जी मीन्स इस ओर को हमें पहले कंसनट्रेट करना पड़ेगा, मतलब इसके इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना पड़ेगा, हल्की फुल्की जो इम्प्योरिटीज़ होगी। उसके बाद हमें इसमें इसको क्या करना पड़ेगा, हायर टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा। जब हम इसको हायर टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कंसनट्रेटेड ओर होगा, वो इसको कन्वर्ट हो गए मेटल ऑक्साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो भी मेटलर्जी है उनमें उसको हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है पहले यहाँ पर। इसके बाद इलेक्ट्रोमेटलर्जी में क्या होता है, इलेक्ट्रो एज द नेम इंडिकेटिंग, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हम क्या होते हैं, कुछ मेटल जो होते हैं, जो कुछ मेटल के ओर जो होते हैं, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनके जो ओर होंगे, क्योंकि ये हायर रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो क्या कहते हैं इनके जो ओर होंगे, इनके ओर जो है इस मेथड से पायरोमेटलर्जी से एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकते, यानी आप सोडियम को भट्टे में नहीं डाल सकते, फर्नेस के अंदर नहीं डाल सकते, समझ गए ना, है ना, पोटेशियम को नहीं डाल सकते, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, यानी इसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, या मोल्टन स्टेट में इसको गलाएंगे। और उसके बाद जो आपने मेटलर्जी के अंदर, इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहीं पढ़ी होगी, तो उसमें क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोड बनाते हैं, और इलेक्ट्रोड के मेथड से इसे एक एनोड एक कैथोड बनाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने पर एक इलेक्ट्रोड पर इसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, समझ गए कि नहीं। और इसमें कौन से मेटल होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोडियम पोटेशियम इसी से होते हैं, ठीक है। हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी में आप क्या करेंगे, इसका पहले क्या बनाएंगे, जो इसका ओर होगा, ओर को क्या करेंगे, इस वाटर के अंदर सुटेबल, वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाएंगे और सुटेबल केमिकल रिएजेंट डालेंगे, केमिकल रिएजेंट डालेंगे। केमिकल रिएजेंट डालने के बाद इसका क्या होगा, प्रिसिपिटेशन बनेगा, प्रिसिपिटेशन यानी अवक्षेप बनेगा। और उस अवक्षेप को आप क्या करेंगे, इसमें एक मेटल डालेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उस मेटल को डालेंगे, उस मेटल के द्वारा इसका प्रिसिपिटेशन को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये तीन तरह की मेटलर्जी है, और इसमें जो ज़्यादातर जो क्या कहते हैं, जो मेटल रिमूव होते हैं या मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो है आपके पास गोल्ड, हाइड्रोमेटलर्जी के द्वारा, सिल्वर, इनको इस मेथड से ज़्यादातर क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
तो ये तो टाइप्स ऑफ मेटलर्जी है। टाइप्स ऑफ मेटलर्जी में के बाद अब हम बात करते हैं कौन कौन से वो मेथड हैं जिसके द्वारा आप रिमूव करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे मेटल को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, नेक्स्ट स्टेप के पास जनरल मेथड फॉर एक्सट्रैक्टिंग, जनरल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, कौन कौन से वो जनरल मेथड है देखो। सबसे पहले जो मेथड आता है, सबसे पहले हम प्रोसेस ही समझ लेते हैं, क्योंकि एक मेथड हो नहीं सकता, क्योंकि मेटल इतने सारे हैं तो मेथड भी एक नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक मेटल की नेचर डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, थोड़ा स्टेप को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम मेटल को, अगर हमें देखो ये ओर है, माइनिंग करते हैं ना तो ओर मिलता है हमें, ओर से हमें क्या प्योर मेटल चाहिए। ठीक है, ओर से हमें क्या चाहिए, प्योर मेटल। और सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे। जब तक माइनिंग नहीं होगी, माइनिंग यानी खोदेंगे, इसे मिट्टी को खोदेंगे कहीं पे, फिर उसको पहचानेंगे कि इसमें आयरन है कि गोल्ड है कि क्या है इस मिट्टी में ऐसा। फिर माइनिंग के बाद, माइनिंग में अगर जो है आपके पास क्या मिलता है, चलो इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। माइनिंग के बाद आपके पास जो है इसको क्रशिंग करते हैं। अब आपके पास जो बड़े बड़े जो रॉक्स मिलेंगे उसको आप क्या करेंगे, क्रशिंग, क्रश करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है ना, और यह इसको एक और शब्द दिया जाता है, ग्राइंडिंग, ग्राइंड करेंगे इसे। ठीक है, एक और वर्ड दिया जाता है इसे, पल्वराइजेशन। क्रशिंग यानी जो रॉक्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी रॉक्स हैं मिली आपको कहीं, उसमें आपको लगा कि इसमें जो है आयरन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो आपने उसको डिग आउट किया। डिग आउट करने के बाद आपको लगा कि यार इतने बड़े से तो कुछ हो नहीं पाएगा, इसको हम क्रश करते हैं, तोड़ते हैं इसको, तो उसे क्रशिंग कहेंगे या ग्राइंडिंग करेंगे। लेकिन अगर वो बहुत बारीक पीस हो जाएंगे तो उसे पल्वराइजेशन कहेंगे। क्रशिंग के बाद हम इसमें इसको करेंगे कंसंट्रेशन, और इसको बोलते हैं बेनिफिशिएशन। कंसंट्रेशन यानी इसकी, क्रशिंग मतलब तोड़ना, हम इसको बारीक करेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब है इसमें जो अर्थी इम्प्योरिटीज़ होगी, गैंग पार्टिकल होंगे, उनको मोटे तौर पर हम उनको रिमूव करेंगे, दैट इज़ कंसंट्रेशन और बेनिफिशिएशन। इसके बाद हम इसमें प्योरिफिकेशन करेंगे, प्योरिफिकेशन से पहले एक्सट्रैक्शन करेंगे मेटल का। मेटल पता नहीं कौन से फॉर्म में है, ऑक्साइड फॉर्म में है, क्रोमेट फॉर्म में है, या वट एवर द फॉर्म, हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड विल कन्वर्ट इट टू मेटल ऑक्साइड। उसके बाद हम उसको रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन करने के बाद प्योरिफिकेशन करेंगे, और प्योरिफिकेशन के बाद प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग करेंगे प्योर मेटल के लिए, और फाइनली हमें मेटल ऑब्टेंड होगा। गॉट इट? तो दिस चार्ट शुड बी इन योर माइंड। क्या करते हैं हम ओर से मेटल को ऑब्टेन करने के लिए, फर्स्ट हम माइनिंग करते हैं, सेकंड हम क्रॉसिंग करते हैं, थर्ड कंसंट्रेशन करते हैं, फोर्थ एक्सट्रैक्शन करते हैं, एंड फिफ्थ प्योरिफिकेशन करते हैं, और फाइनली हमें मिलता है मेटल। तो इन सारे मेथड्स को थोड़ा धीरे धीरे जानते हैं। सबसे पहले माइनिंग, माइनिंग तो हमें पता ही है, माइनिंग जो है, माइनिंग तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, डिग आउट करते हैं, खोदते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो है हमारे पास जो ओर है वो अर्थ के सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे है, ध्यान दीजिएगा, अगर ओर जो है सरफेस के ऊपर, मतलब एक तो बहुत गहराई में है,
एक मतलब नज़दीकी है, 1-2 मीटर की गहराई पे या आधा मीटर की गहराई पे। तो यदि और जो है अर्थ सरफेस के ऊपर मिल जाता है हमें, तो उसे ओपन पिट माइनिंग कहते हैं। ओपन पिट मतलब गड्ढा, ठीक है। तो ओपन पिट मतलब आपको खाई बीज मिल रहा है, तो ये है आपके पास ओपन पिट माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग के बाद हम इसमें, ये तो माइनिंग हो गई, ठीक है। माइनिंग के बाद हम क्या करेंगे, दूसरा कंसंट्रेशन, और इसको दूसरा शब्द जो देते हैं बेनिफिशिएशन। कंसंट्रेशन और बेनिफिशिएशन, बेनिफिशिएशन और कंसंट्रेशन में क्या होता है, जो अर्थी इम्प्योरिटीज होती है, अर्थी इम्प्योरिटीज होती है, अर्थी इम्प्योरिटीज हमने डिस्कस किया है कि भाई अर्थी इम्प्योरिटीज में क्या है, गैंग पार्टिकल है। गैंग पार्टिकल क्या है, वी हैव डिस्कस इट ऑलरेडी। तो गैंग पार्टिकल को हमें रिमूव करना है, रिमूव करना है। अब रिमूव करने के जो मेथड हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। आखिर हमें ये मिला, हमें ये रॉक्स मिली हमें, या इतना बड़ा हमें मिट्टी मिली कहीं पे, ठीक है। इतनी बड़ी रॉक्स मिली, इस रॉक्स से हमें, इस रॉक्स पे जो है बहुत सारी सैंड पार्टिकल, लाइमस्टोन पार्टिकल, ऑक्साइड पार्टिकल बहुत सारे इसमें चिपके हुए हैं, ठीक है। इसको हमने रिमूव करना है। तो यही है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब मोटे तौर पर जो इसमें इम्प्योरिटीज चिपकी हुई है, इसको मोटे तौर पर अलग करना। इसमें मोटे तौर पर जो इम्प्योरिटीज़ है, जैसे इसमें कुछ सैंड होगी, बजरियाँ होगी, कुछ पत्थर हो, कंकड़ होंगे, गॉट इट। या बाकी जो चीज़ें होंगी, जैसे कार्बन होगा, न जाने क्या क्या, इसको हमें मोटे तौर पर हटाना है। उस हटाने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं, उन मेथड्स को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। नंबर वन जो मेथड है वो है आपके पास हैंड पिकिंग, वेरी सिंपल हैंड पिकिंग। सबसे पहले आप क्या करोगे, हैंड पिकिंग मतलब उठाना, कोशिश करोगे कि यार मोटे तौर पर जो इम्प्योरिटीज के अंदर है उसे मोटे तौर पर हम हैंड से अलग कर दें। हैंड पिकिंग हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट जो है इसमें वो है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन, इसे बोलते हैं लेविगेशन और ग्रेविटी सेपरेशन। एज द नेम इंडिकेटिंग, इट इज़ डिफरेंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ ओर और गैंग पार्टिकल। तो जो आपके पास जो है, ध्यान दीजिएगा, आपको जो है ग्रेविटी सेपरेशन के मेथड से कंसंट्रेशन करना है ओर का। ये जो टर्म है कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिएगा इसमें, कंसंट्रेशन और बेनिफिशिएशन का मतलब है मोटे तौर पर इम्प्योरिटीज़ को हटाना। और उनके लिए हम मेथड पढ़ रहे हैं, कैसे हटाएंगे हम, या तो हैंड पिकिंग से हटाएंगे, या फिर लेविगेशन से हटाएंगे, या उसको दूसरा जो टर्म दिया जा रहा है वो है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का से मतलब इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये आपको क्या करना है, समझ लीजिए कि यहाँ से हमने ये इसके अंदर ओर डाला हुआ है, ठीक है। ये ओर इसके अंदर डाला, यहाँ से इसके अंदर वाटर का फ्लो किया, और वाटर के फ्लो के बाद देखो यहाँ पे ग्रेविटी सेपरेशन, मान लीजिए ओर है और ओर में इम्प्योरिटीज़ है, बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ हैं, तो ओर प्लस इम्प्योरिटीज़, जो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उन इम्प्योरिटीज़ को देखो। अब यहाँ पे ग्रेविटी, जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी वो तो नीचे रहेगा, जिसकी ग्रेविटी कम होगी वो ऊपर तैरेगा, है ना। तो मोटे तौर पर हम क्या करते हैं, इसको प्योर करने के लिए या कंसंट्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें वाटर का फ्लो जारी रखेंगे। वाटर के फ्लो के बाद
जो इम्प्योरिटीज़ होगी, सपोज इम्प्योरिटीज़ की ग्रेविटी जो है वो कम है, तो इम्प्योरिटीज़ ऊपर तैर के फ्लो होती रहेगी कई देर तक, इसे करते रहेंगे। हालांकि ये ट्रेडिशनल मेथड या बल्कि तौर पर ऐसा नहीं करते हैं, ये तो एक सिंपल मेथड है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बल्कि तौर पर यानी बल्कि मतलब इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। अब एक मान लीजिए हमने इतना सा भी घर बनाया, इतना सा एक कंटेनर लिया और उसमें फ्लो किया, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा सेपरेशन में। तो उसके लिए हम इंडस्ट्री में एक टेबल बनाते हैं जिसका नाम है उल फ्लो टेबल। एक टेबल बनाते हैं हम, उसको बोलते हैं विल फ्ले टेबल। इस टेबल को बनाते हैं हम। इस टेबल में हम क्या करते हैं, इस तरह की कोई टेबल है, ये इस तरह की कोई टेबल है, ये इस टेबल में इसका जो फ्लोर होता है वो सलेंटिंग होता है। सलेंटिंग फ्लोर का मतलब तिरछा फ्लोर होता है इसका, तिरछा टाइप। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर से पहले यहाँ पर एक वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसके लिए, राइफल्स वर्ड यहाँ पर दिया गया, राइफल्स का मतलब यहाँ पे स्लॉप टाइप बनाएंगे एक। हाँ, इसको स्लॉप के अलावा एक शब्द और दिया था, स्ट्रिप, वुडन स्ट्रिप लगाएंगे यहाँ पे। वुडन स्ट्रिप का मतलब एक लकड़ी का पहिया टाइप लगाएंगे, ठीक है, या दूसरे तरीके से इसमें स्लॉप बना दो। अच्छा, स्लॉप बनाना ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि वो फिर नीचे जाएगा, कुछ उसमें आएंगी, तो इसमें स्ट्रिप लगा देते हैं ज़्यादातर। ये स्ट्रिप लगा दी, वुडन स्ट्रिप, दिस इज वुडन स्ट्रिप, लकड़ी की स्ट्रिप लगा दी इसमें। अब स्ट्रिप लगाने से क्या होगा, आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ से जो है और पार्टिकल और यहाँ पे रख दो, और यहाँ से इसके ऊपर से देखो, इसके ऊपर से, यहाँ से नहीं, इसके ऊपर से इसमें वाटर फ्लो करो, इसके ऊपर से इसमें वाटर फ्लो करो। इसके बाद और यहाँ से आएगा नीचे आएगा, क्या होगा मैक्सिमम, क्योंकि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ग्रेविटी में जो चीज़ भारी होगी वो नीचे बैठेगी, जो चीज़ हल्की होगी वो तैर के चले जाएगी, ठीक है। तो पानी के फ्लो के साथ जो तो भारी होगी, अब चाहे वो इम्प्योरिटी हो या फिर मेटल का ओर्स हो, ठीक है, वो नीचे इसमें बैठ जाएगा, इस पे अटक जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है जो इम्प्योरिटीज होगी वो फ्लो आउट हो जाएगी, या फिर जो भी ग्रेविटी में कम ज़्यादा होगा वो फ्लो आउट हो जाएगा। जो ग्रेविटी में कम होगा वो फ्लो आउट हो जाएगा, जो ज़्यादा होगा बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है, वो ऐसी इंडस्ट्री में इसको करते हैं, बड़ी सी टेबल होती है, ठीक है, इसमें फ्लो चलता रहता है वाटर का, और इस तरह ये कंसंट्रेट, ये प्योरीफिकेशन नहीं है, इसका मतलब यानी कि यहाँ पर प्योर नहीं हो रहा मेटल, यहाँ पर केवल और केवल मोटे तौर पर इसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जो बैट के नीचे वो बहुत प्योर है, प्योर नहीं हो, मतलब मोटे तौर पर हमने अलग कर लिया। अभी तो बहुत कॉन्सेप्ट आएंगे, हमें प्योर मेटल को ऑब्टेन करना है तो टाइम लगेगा, मतलब। तो विल फ्लो टेबल बनाते हैं हम ग्रेविटी सेपरेशन के लिए। विल फ्लो टेबल के बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो मेथड है वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, झाग। तो फ्लोटेशन का मतलब तैराना, फ्रॉथ फ्लोटेशन का मतलब है
कि आप क्या करेंगे यहाँ पर, एक होगी इम्प्योरिटीज और एक होगी ओर। तो ओर और इम्प्योरिटीज में होगा यहाँ पर फ्लोट का डिफरेंस। फ्लोट का मतलब यहाँ पर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है वेटिंग कॉन्सेप्ट। वेटिंग, वेट वेट, ठीक है, वेट मतलब भीगना। तो वेटिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वेटिंग कॉन्सेप्ट मतलब भीगे, कौन पहले भीगेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं। अच्छा, ये मेथड जो स्पेशली यूज होता है सल्फाइड ओर के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है जो आप नौकरियों को कंपटीशन दोगे। फ्रोथ फ्लोटेशन जो मेथड है वो सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे गैलेना, PBS, गैलेना, गैलेना, ठीक है, लेड का ओर है, लेड का ओर है, और इसमें क्या है आपके पास सल्फाइड है, तो इसको भी रिमूव किया जाता है इसे। इसके अलावा कॉपर पाइराइट है, CuFeS2, कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट को भी इसी से, ये कॉपर पाइराइट की जो इम्प्योरिटीज है वो इसी से क्या की जाती है, दूर की जाती है मैक्सिमम इम्प्योरिटीज। अच्छा, जिसमें सल्फाइड होगा वो अलग होगा, करेंगे क्या, बस ऐसा करेंगे कि ऐसा लेते हैं, एक लेते हैं ऑयल, पहले इसको समझते हैं। ये है आपके पास एक कंटेनर और ये है दूसरा कंटेनर, एक कंटेनर ये है और ये कंटेनर ये है। इस कंटेनर में आपने डाला मान लीजिए PBS, ये सल्फाइड ओर। अब इसमें जो सल्फाइड है, इसका सल्फाइड देखो PBS है तो इसमें सल्फाइड बहुत ज़्यादा चिपका होगा, तो मेरा कहने का मतलब है PBS यहाँ पर PB में कन्वर्ट नहीं होगा डायरेक्ट, ऐसा मैं समझना आप, ये तो केमिकल प्रोसेस है, हम जो कर रहे हैं वो फिजिकल प्रोसेस है। PBS से PB में कन्वर्ट होने केमिकल प्रोसेस है, लेकिन PBS को साफ करना एक फिजिकल प्रोसेस है। हम मोटे तौर पर अलग कर रहे हैं, कोई रिएक्शन तो नहीं करा रहे ना, तो रिएक्शन नहीं करा रहे तो केमिकल प्रोसेस नहीं हुई। तो हम जो इसमें मोटे तौर पर जो सल्फाइड चिपका हुआ है उसको रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के लिए हम इसमें पहले ये ओर है और इसमें जो डालते हैं पाइन ऑयल या दूसरा कोई ऑयल डाल सकते हैं, जो कि एक फ्लोटिंग एजेंट है। अब फ्लोटिंग एजेंट में क्या है, जो सल्फाइड ओर है, जो सल्फाइड है या PBS है, और PBS के साथ कुछ चिपका हुआ है, सल्फर चिपका हुआ है, आयरन चिपका हुआ है या कुछ जो सैंड चिपकी हुई है, उसको रिमूव करना है हमें, ठीक है। तो जो सल्फाइड होता है, जो PBS है, वो क्या होगा, वो यहाँ पे फ्लोट बनाना शुरू कर देगा। मतलब पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक पाइप भी लगाते हैं ऐसे में, इस पाइप से क्या डालेंगे, एयर, ठीक है। हो सके तो हम इसमें एक ऐसा फैन भी लगा दें, रॉड, जो स्टीरर जिसे बोलेंगे, स्टीरर मतलब घुमाने वाला, घूमता रहेगा, इससे सब मिलता रहेगा ना, और मिलने से क्या होगा, अब फिर आप एयर पंप लगाएंगे, एयर पंप लगाने से इसमें झाग पैदा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो फ्रॉथ पैदा होना शुरू हो जाएगा, तो ये फ्रॉथ जो है ये हल्का होगा। अच्छा, ये फ्रॉथ जो है, जो सल्फाइड है, ये किसके साथ वेट होगा, ऑयल के साथ, वेट मतलब भीगेगा, जल्दी भीगेगा, वेट के साथ भीगेगा। बाकी जो इम्प्योरिटी होगी वो पानी के साथ भीगेगी। अच्छा, जो सल्फाइड होगा वो हल्का होता है, ऑयल भी हल्का होता है, ऑयल की डेंसिटी जो है पानी से कम होती है, इसलिए ऑयल उसके ऊपर तैरता है, आपको तो पता है फिजिक्स में, किसके ऊपर, पानी के ऊपर। अच्छा, जो ऑयल मिलाने का मकसद यही है, ऑयल से जो है सल्फाइड ओर जो है वेट हो जाता है, भीग जाता है ईजिली, और फिर इसमें जब फ्रॉथ बनना शुरू होगा तो ये फ्रॉथ ऊपर आना शुरू हो जाएगा यहाँ, ठीक है। इस फ्रॉथ में क्या होगा, सल्फाइड ओर होंगे, किसी के जैसे गैलेना होगा या फिर दूसरा क्या है, कॉपर पाइराइट होगा वगैरह वगैरह। इसकी जो इम्प्योरिटी होगी वो कहाँ होगी, नीचे होगी पानी के साथ। उसके बाद जब पाइप आप यहाँ पे जब इसे एयर पंप लगाएंगे तो इसका फ्लोट बनना शुरू हो जाएगा, फ्लोट बनना शुरू हो जाएगा तो यहाँ आता रहेगा, ठीक है।
ये क्या हो गया, यहाँ से अलग हो गया, मैक्सिमम इम्प्योरिटीज़ को हमने क्या कर दिया, यहाँ से मोटे तौर पर हटा दिया। तो यही प्रोसेस हम यहाँ पर एडॉप्ट करेंगे। गॉट इट? कौन सी? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, फॉर एग्जाम्पल गैलेनियम एंड कॉपर पाइराइट आर्स ओर्स आर कंसनट्रेटेड बाई फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। गॉट इट? तो ये आपके पास, इसके बाद है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन बड़ा बन गया।